हम आपको उदयपुर की खबरें बताएं, उससे पहले बात करते हैं उस चर्चित खबर की जिसने एक बार फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इस खबर से जुड़े हर तथ्यों को हम सिलसिलेवार आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सीएम गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कयासों के बीच उदयपुर दौरे पर आ रहे अशोक गहलोत को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां की है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कलेक्टर ने बैठक में क्या निर्देश दिए। दूसरी ओर बताएंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला और परिवार से परेशान युवक ने क्यों की आत्महत्या। नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने खुलेआम धमकी दी है। नागर ने कहा है कि राजीव गांधी अमर रहे, गहलोत जिंदाबाद का नारा लगाना है, नहीं तो पुलिस उठा लेगी, बंद कर देगी और केस लग जाएगा, और बाद में मुझे मत कहना। जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर दूदू के जिस सभा में जनता को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ, इसमें सीएम के आने से पहले कुछ ही देर पहले नागर ने जनता को धमकाया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे, दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा, तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा, अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। अपने पड़ोसों कोई भी न्यूसेंस करे इशारा करो तत्काल, गलती से पड़ोसी गलती कर दे, पड़ोसी न्यूसेंस कर दे, और जिसने गलती नहीं करी वो लपेटे में आ जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आज तक 24 साल में कभी कोई किसी कार्यक्रम अनशनहीनता होती नहीं है, नहीं मैं बर्दाश्त करता हूँ स्टेज पे गिनती के। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कयासों के बीच सीएम अशोक गहलोत बुधवार को उदयपुर दौरे पर रहेंगे। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि सीएम गहलोत दोपहर 12:30 बजे जयपुर से प्रस्थान कर 1:30 बजे डबोक एयरपोर्ट और वहां से प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। यहां ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल स्पर्धाओं का अवलोकन करेंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण समारोह में शरीक होकर 3:15 बजे उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 4:00 बजे उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक स्थित सूरर गांव पहुंचेंगे, जहां ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल स्पर्धाओं का अवलोकन करेंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण करने के बाद विशेष वायुयान से जयपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम के दौरे को लेकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण, इसका संरक्षण करें, ये बात कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कलेक्ट्रेट में जिला पर्यावरण समिति की बैठक में कही। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मीणा ने कहा कि जो भी अधिकारी पर्यावरण संरक्षण के प्रति बार बार लापरवाही बरते, उन पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि पर्यावरण से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि भगवान ने हमें शक्ति दी है कि हम आमजन और पर्यावरण के लिए कुछ कर सके, फिर भी कुछ अधिकारी निरंतर लापरवाही बरत रहे हैं जो ठीक नहीं है। ऐसे अधिकारियों पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कलेक्टर ताराचंद मीणा मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक को संबोधित कर एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को सख्ती से प्रतिबंधित करने एवं पौधारोपण को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मार्बल स्लरी निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक इकाइयों एवं यातायात द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही बड़े चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था एवं बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की समीक्षा की। सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला में महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला काफी दिनों से तनाव में थी। बेदला निवासी ललिता प्रजापत ने आत्महत्या कर ली। परिजन घर पर कोई नहीं थे। परिजन पहुंचे तो ललिता का शव लटका हुआ मिला।
सूचना पर पहुंची सुखेर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। परिजनों की रिपोर्ट में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हाड़ी रानी के त्याग और बलिदान की भूमि सलुम्बर में कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित एक खेल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस खेल का नाम है अग्निवीर बड़ा खेल। आरएसएस से जुड़े लोगों का कहना है कि ये युवाओं में देश सेवा की भावना जागृत करने के लिए आयोजित किया गया ताकि देश का युवा देश के काम आ सके। इस खेल में कई ऐसे आयोजन हुए जो अमूमन आर्मी ट्रेनिंग के दौरान देखे जाते हैं, जैसे पानी और बर्फ से निकलना, आग से निकलना और कांटों की गुफाओं से मिट्टी का रास्ता पार कर निकलना आदि शामिल थे। इस दौरान अलग अलग स्तर पर इसमें शामिल युवाओं के लिए कुछ बाधाएं ऐसी रखी गई ताकि वो सफल ना हो सके। इसके बावजूद युवाओं ने इन चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया। रावजी हाटा में किराए पर रहने वाली गुजरात निवासी महिला ने एसपी के सामने परिवाद पेश कर न्याय की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि वो लंबे समय तक रावजी का हाटा क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। 3 महीने पूर्व पति की मौत होने पर वो गुजरात चली गई। वापस लौट कर आई तो मकान मालिक ने 90,000 रुपए की मांग की और कमरे पर ताला लगा दिया। परेशान महिला घंटाघर थाने में पहुंची तो उन्होंने उसकी नहीं सुनी। बाद में अपने वकील को लेकर एसपी के सामने पेश हुई और न्याय की गुहार लगाई। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे 2 महीने का किराया बाकी है और मकान मालिक ने मेरा सामान जब्त कर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि आप 90,000 निकल रहे हैं, वो पैसे दे और सामान ले जाओ। मैं सामान लेने आई हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसको 2 महीने हुई हूँ और मैं गुजरात से आई हूँ अपना सामान लेने। 3 साल से यहाँ पे रह रहे थे, अभी 2 साल से मैं तो उधर ही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे शुगर की बीमारी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहती, पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर रहते रही हूँ। किराया 3 महीने का बाकी है, 7वां 8वां और ये 9वां तो चल रहा है। 7वें महीने मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, हाँ उसके बाद कोई भी नहीं गया। हाँ आज मैं आई हूँ सामान लेने अपना। थाने पे गए थे तो वहाँ पे बोला हूँ कि आप वो ये किराए ऑफिस में जा हुई हूँ, वहाँ पे लिखवा हुई हूँ और वो कह रहे कि आप हमें 50,000 दो हूँ। पहले 90,000 मांग रहे थे, कल बोले कि 50,000 दे तो मैं सामान पूरा दूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने 2-3 महीने का जो किराया बाकी है वो ले ले, मेरा सारा सामान पूरा मुझे दे दे। हाँ बस, हाँ मैं 2-3 महीने का जो बाकी है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।